पाकिस्तान के फॉर्मर ऑलराउंडर अब्दुल रजाक की बहुत शेमफुल एम्बैरेसिंग स्टेटमेंट आई है ऐश्वर्या राय को लेकर, जो बॉलीवुड सुपरस्टार आ रहा है, अमिताभ बच्चन की फैमिली से अब मुंसलिक हो गई हैं। अभिषेक बच्चन की वाइफ हैं, धर्म पत्नी है उनकी, और ऐश्वर्या राय किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। लेकिन एक बहुत शेमफुल और एम्बैरेसिंग स्टेटमेंट दोबारा से बता रहा हूँ अब्दुल रजाक की, कल रात आई है। वो एक सेरेमनी में थे, वहां पर फॉर्मर क्रिकेटर्स थे, T20 वर्ल्ड कप 2009 की विक्ट्री जो थी पाकिस्तान की उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था कराची के अंदर। वहां पर एक एनालॉजी दी ऐश्वर्या राय के मुताबिक, उन्होंने कह दिया कि अगर आप ऐश्वर्या राय के बच्चे हैं तो आप नेक बच्चे नहीं हो सकते। बड़ी अजीब कोई उन्होंने बात की, छोटी बात की, छोटी तंग जहन की बात की उन्होंने। उसके अलावा वहां पर एक कंट्रोवर्सी बन गई जब उमर गुल, सईद अजमल और शाहिद खान अफरीदी क्लैप करते हुए नजर आए, तो कहा गया कि ये लोग भी शायद इसमें इन्वॉल्व है, ये इनका भी माइंडसेट है। अब बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बन चुकी है। मैं अपोलोजाइज करता हूं अपने इंडियन जो ऑडियंस है उन फैंस से, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी मैं इसको कंडेम करता हूं स्टेटमेंट को। मेरा भी दिल दुखा है, मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से अगर आपका भी दिल दुखा है। ये हमारी सोसाइटी जो है उसका एक छोटा सा आप कह लें कि पार्ट है। इस तरह के लोग पाए जाते हैं हमारी सोसाइटी में, ये लेजेंड्स होते हैं, लेकिन करियर जब इनका खत्म होता है क्रिकेट के बाद, जो ये इस तरह की बातें करते हैं तो ये लोगों के दिल से उतरना शुरू कर देते हैं। मेरे भी दिल से ये उतर गए हैं। मैं इसको आपको बता रहा हूं कि हम पाकिस्तानी जो है एज अ सोसाइटी इन जनरल ऐसे नहीं है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इस तरह के, आप समझ लें, जिनका ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है या इस तरह के जो माइंडसेट से ताल्लुक रखते हैं। हम हर हर पाकिस्तानी ऐसा नहीं सोचता। बहुत से पाकिस्तानी माफी भी मांग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चल रहे हैं, रजा के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, ऐश्वर्या राय के फेवर में बात कर रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी इंडियन से क्षमा चाह रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, ऐश्वर्या राय से टैग कर रहे हैं उनको। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब शाहिद अफरीदी की भी अभी अभी स्टेटमेंट आई है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि रजाक जल्दी में बोल गए थे, हमें समझ नहीं लगी थी, हमने वैसे ही तालियां बजाना शुरू कर दी जैसे ऑडियंस तालियां बजाती है, लेकिन घर आके जब मैंने क्लिप को दोबारा सुना, मुझे क्लिप भेजी गई, तो मुझे पता चला कि रजाक ने तो ऐश्वर्या राय के बारे में बात की और इतनी छोटी और गलत बात की है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। तो लाला ने भी कहा है कि मैं उससे कहूंगा कि वो माफी मांगे, अपोलोजाइज करे, और रजाक आपको अपोलोजाइज करना चाहिए। आपने बहुत लोगों का दिल दुखाया है, ये माइंडसेट बहुत खराब है। आप अपने बच्चों को भी गलत चीज सिखा रहे हैं, आपके बच्चे भी अगर स्कूल जाते हैं वो भी ये चीज देखेंगे, और उनसे अगर सवाल करेंगे उनके फ्रेंड्स के आपके बाप ने कैसी बात कर दी, तो वो भी शर्मिंदा होंगे, आपके रिश्तेदार भी शर्मिंदा होंगे, जो जो आपको जानता है वो भी शर्मिंदा होगा। तो आप अपोलोजाइज करें, ये बहुत गलत बात है, ये आपको नहीं करनी चाहिए। आपको किसी की करेक्टर पे जो है वो नहीं बात करनी चाहिए, किसी की इमेज बिल्डिंग खुद से नहीं कर देनी चाहिए, किसी का इमेज टार्निश नहीं करना चाहिए। हम लोग नहीं होते किसी को सही और गलत कहने वाले, गुनाहगार और परहेजगार कहने वाले, ये हमारा काम नहीं है। ये ऊपर वाले पे छोड़ दें, खुद बात करते हो कि लोगों की नीयत अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो आपने कैसे अगले की नीयत देख ली? आपको क्या पता वो अपनी बेटी की परवरिश जो है वो बहुत लोगों से बेहतर तरीके से कर रही हो। अगर वो हिंदू है या एक्ट्रेस थी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है उसको टारगेट करें। ये हमें हमारे इस्लाम में भी नहीं सिखाया जाता। प्लीज माफी मांगे, जैसे लाला ने कहा कि वो भी चाहे जो है वो रजाक से कहेंगे कि वो माफी मांगे इस चीज पर, और ये स्टेटमेंट जो है उससे शायद अफरीदी ने कहा मैं लात तल्लुकी जो है वो अख्तियार करता हूं, मैंने क्लैप नहीं किया था, इस वजह से मुझे समझ नहीं लगी थी। और असल में वो रजाक ने बहुत जल्दी में स्टेटमेंट बोली थी, लोगों को बार बार प्ले करने के बाद वो स्टेटमेंट समझ लगी, तो वहां तो एक ही दफा में हो गई, तो उसको कैसे फॉर्मर क्रिकेटर जो साथ बैठे हैं वो समझ सकते हैं? तो बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए आपको लाला को भी, अगर वो ये कह रहे हैं और अगर रजाक वाकई माफी मांगते हैं, क्योंकि उनके जो कमेंट्स पहले निदा डार को लेकर आए थे वो भी बहुत ज्यादा छोटे थे। और मैं आई एम वेरी सॉरी बट हैव टू से कि जो अनएजुकेटेड होता है, इसका माइंडसेट इतना, जो जिसको एक्सपोजर इतना नहीं मिला होता, जिसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की होती है, तो जो बहुत, आप फिर देखें गलत बात, अगर आप अपना बैकग्राउंड अगर आपको इस तरह से नहीं है, लेकिन आपको इंप्रूव करना चाहिए विद टाइम, लेकिन आप ये अपना जहनीत और अपना बैकग्राउंड जो है वो दिखाते हैं इन चीज़ों से, और एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में जो फर्क होता है वो भी इन्हीं चीज़ों से पता चलता है। अनफॉर्चुनेट है ये, लेकिन हमारे लेजेंड्स जो है वो जिस तरह की बातें कर देते हैं जो हमारी पूरी दुनिया में मजाक बन जाता है, और यही हुआ है जो अब्दुल रजाक की स्टेटमेंट आई है। मैं अपोलोजाइज करता हूँ अपने सारे इंडियन से, दोबारा से अपोलोजाइज कर रहा हूँ, और ये स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए थी जो आई है। होपफुली आप लोग भी हमें माफ़ करेंगे, और रजाक भाई की भी हम अपोलॉजी का वेट कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं, इस वीडियो को शेयर करें। एज अ पाकिस्तानी मैं कंडेम करता हूँ स्टेटमेंट को, और मैं शर्मिंदा हूँ।